हेलो फ्रेंड, मैं उगनेश कुमार, उगनेश टिफिन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कि आप देख ही पा रहे होंगे कि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके पास SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक है तो आपको कहीं भी जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ठीक है ना दोस्त, आप घर बैठे आप 15 सेकेंड के अंदर में ही आप अपना बैंक का बैलेंस चेक कर पाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। तो दोस्त, सबसे पहले मैं यहां पे लेकर के चलता हूं आपको। जैसे कि SBI का है, यहां पे लॉगिन करने के लिए आ रहा, तो आपको लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो हम आपको सिंपल सा करना क्या है, आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करके रखा हूँ और आपको यहाँ पे सिंपल सा टैप कर देना है, इनकी लिख देना है SBI, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख पाएंगे SBI बैलेंस इंक्वायरी नंबर, या फिर अगर आप नहीं भी लिखते हैं तभी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कभी आप भूल जाएंगे तो आपको यहाँ पे दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आपको आपके पास ये नंबर आएगा और इस नंबर को आपको कहीं पर नोट डाउन कर लेना है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हो अपने पास। जैसे कि ये नंबर है 09223, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे 5x6 है। ये नंबर को आपको सिंपल सा करना क्या है दोस्त, आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख रख सकते हो अपने पास, ये आपका भविष्य में कभी भी काम आने वाला। लेकिन इससे पहले कुछ जानकारी वो चीज़ मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि ये नंबर आपके मोबाइल से आपके बैंक से लिंक होगा तभी एक काम कर पाएगा। लिंक नहीं है तो आपको सबसे पहला नंबर जाकर के लिंक करवाना होगा। उसका भी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉल लगाता हूँ तो आप देखेंगे कि आपके पास मैसेज आएगा, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास आने वाला है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा दोस्त इसको कॉल लगा रहा हूँ। ठीक है, आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है। ऐसा अगर आपके पास आवाज़ आता है तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ये ऐसा ही आएगा, बस इस पर एक मिस कॉल देना था। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि SBI मिस कॉल नंबर, और आप जैसे यहाँ पे देंगे ना तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, ठीक है ना। आपके पास मैसेज आएगा, जो कि मेरे पास मैसेज आया था, मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने उसको ओपन किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरे पास मैसेज आ चुका है। इस मैसेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, डियर कास्ट नंबर, योर मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर विद दिस, ठीक है, फैसिलिटी टू रजिस्टर SBI क्यूक, यानी कि आपको जाकर के वहाँ पे SBI से आपको, जैसे कि देखेंगे कि मैसेज मेरे पास अभी आया है नाउ। तो दोस्त, आपको सिंपल सा जाना है और आपको बैंक में जा करके आपको यहाँ पे SBI में अपने अकाउंट में मोबाइल नंबर लिंक करा लेना है। नहीं लिंक करा सकते दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये नंबर है, इस पे आपको यहाँ पे मैसेज करना है, सेंड SMS रजिस्टर्ड अकाउंट, ठीक है। आपको जो मोबाइल नंबर है वो अकाउंट नंबर देखे, कुछ इन्फॉर्मेशन देखे, आपको मैसेज करना है। यहाँ से ऐसे नहीं हो पाएगा दोस्त, क्योंकि आपको मैंने बहुत सारा ट्राई भी किया था लेकिन नहीं हुआ। आपको अल्टीमेटली आपको ब्रांच ही जाना पड़ेगा। तो अगर रजिस्टर्ड होगा तो बहुत आसानी से आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। दोस्तों, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद।